स्काई अब एमआई के कैप्टन बनेंगे तो फिर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों एमआई छोड़ देंगे। अब ये बात इसलिए निकल के आई क्योंकि सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया। ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद यानी कि करीब 4 दिन बाद ही एक सीरीज खेलने के लिए इंडिया में आ गई थी। अब उस टीम को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पहली बार सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की और पहले मैच में तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। अब ऐसे में आप ये भी नहीं कह सकते भैया स्काई पे कैप्टनसी का प्रेशर है। स्काई ने अपनी कप्तानी में 4-1 से सीरीज जीती और उसके बाद अब जब साउथ अफ्रीका T20 सीरीज की अनाउंसमेंट हुई तो एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है। अब ऐसे में मुंबई की बात करते हैं। एमआई ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया है वो भी 15 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। इसका मतलब ये कि अब जो एमआई है वो ये करने वाली है कि वो इसको लेकर जाएगी इधर और अब एमआई कैप्टनसी पे देख रही है हार्दिक पांड्या के लिए, यानी कि हार्दिक पांड्या एमआई के कैप्टन बनेंगे। और उसके बाद से एक स्टोरी आई थी, वो स्टोरी डाली थी जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह ने उस स्टोरी में लिखा था कि साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर, यानी कि आपकी खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। अब जवाब किस चीज का, लोगों ने कयास लगाए कि जसप्रीत बुमराह ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जब मैं इतने वक्त से एमआई के साथ हूं, हमेशा एमआई के साथ रहा, आपका सबसे पुराना खिलाड़ी जो कि जहां से करियर शुरू किया वहीं पे हूं मैं, इस तरह से मैं पुराना खिलाड़ी हूं और मैंने इंडिया को कैप्टन किया, अपनी कैप्टनसी में मैंने प्लेयर ऑफ द मैच जीता, मैंने आयरलैंड में ले जाके हराया, मतलब अपनी सरजमी पे भी नहीं खेला मैं, दूसरी सरजमी पे गया वहां पे उस टीम को हराया, इस टीम को जिताया, तो ऐसे में मैं कैप्टनसी का हकदार क्यों नहीं हूं, मैं कैप्टनसी का दावेदार क्यों नहीं हूं। वैसे में जब इतना बड़ा सवाल पूछा है जसप्रीत बुमराह ने तो फिर सवाल यह आता है कि अगर हार्दिक को कैप्टन नहीं बनाया जाता है, क्योंकि देखो आप सूर्यकुमार यादव अपनी कप्तानी की दावेदारी पेश कर चुके हैं और हमने देखा है कि कप्तानी जो एक बार कर लेता है उसको फिर वो चाहिए होती है और कप्तानी इतनी आसानी से कोई नहीं छोड़ता। ऐसे में अगर स्काई आते हैं टीम इंडिया के अंदर आने के बाद फिर जब एमआई में आएंगे वापसी करेंगे तो एक बार फिर से क्या वो कप्तान बना दिए जाएंगे, और अगर वो कप्तान बनाए जाते हैं तो फिर जसप्रीत बुमराह मोस्ट प्रोबेबली माना जा रहा है कि एग्जिट ले लेंगे एमआई से, क्योंकि बाकी टीम जसप्रीत बुमराह के लिए वाकई में बहुत ज्यादा कहते ना पलके बिछा के वेलकम करेंगे, सर आइए आपका स्वागत है। वहीं हार्दिक पांडे की बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि वो भी वापस गुजरात में चले जाए, क्योंकि भाई गुजरात टाइटंस के जब ये कैप्टन रहे तो पहले ही सीजन में आईपीएल जिताया, दूसरे सीजन में फाइनल खिलवा दिया, यानी कि बहुत आसानी से वापस ले लेंगे। भले शुभमन गिल कैप्टन है लेकिन वापसी तो हो सकती है ना एक बार फिर से गुजरात में हार्दिक पांड्या की। इसी तरह से सवाल ही आ रहा है कि अब क्या वाकई में स्काई को कैप्टन अगर एमआई बना पाएगी, और अगर स्काई कैप्टन नहीं बनेंगे तो क्या वो एमआई में टिकेंगे, क्या वो रोहित शर्मा, देखो जब तक है तब तक तो तय है कि कोई भी कैप्टन नहीं बनने वाला और सब आराम से खेलेंगे। होता है ना कि घर में जब तक बाप जिंदा होता है तो बेटों में बंटवारे की लड़ाई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जिस दिन रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ेंगे, क्योंकि ये भी तो बात है ना कि यार रोहित शर्मा आप कितने सीजन कप्तानी करेंगे, ये वाला सीजन, अगला सीजन, साथ साथ एक और सीजन, 3 सीजन के बाद तो कैप्टन कोई नया ही आएगा, और इसीलिए हार्दिक पांड्या को वापस लाया गया। ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या हटते हैं तो उनकी जगह, मतलब रोहित शर्मा हटते हैं तो हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह या फिर स्काई कौन कैप्टन बनेगा, अगर स्काई कैप्टन बनते हैं तो फिर 2 एग्जिट हमें जाते दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा।